नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं आज बात करूंगा आज दिवाली की रात की जाने वाली कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, जिन्हें करने के बाद यदि जीवन में बहुत अधिक गरीबी है और आप जो है स्वयं को मान चुके हैं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो गरीब ही रहने वाला हूं, तो ऐसे लोग यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि निश्चित रूप से देवी कृपा हो चुका है, आपके घर से गरीबी जाने वाला कुछ तो है जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बातें आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन एक चीज समझिए कि ना कोई हनुमान जी है, ना मैं हूँ, ना आप है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस बात पे कितनी सच्चाई है। यदि मेरा एक काम होता है कि मैं आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले किसी भी बात की जो आपको मतलब बातें हो सकती हैं वो चीज आपको बता दूं, जैसे कि कोई उपाय यदि बहुत दिनों में असर करने वाला होता तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, और कोई उपाय शीघ्र फलदायी होता है तो उसके बारे में भी आपसे बात करता हूँ। तो ये उपाय दोस्तों आपको एक वर्ष में ही इसका असर देखने को मिला है। जो परिवार खाने के लिए मोहताज था, दोनों समय उसके पास भोजन नहीं था, आज वो परिवार जो है नौकर चाकरों के साथ जो है बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो समझिए कि जीवन में किस प्रकार माँ लक्ष्मी की आवश्यकता है। और समझदाना भी नहीं है, बहुत अधिक जो है लोग वह गरीबी से जूझ ही रहे, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि दिवाली की रात दिवाली को भी कुछ विशेष पूजन होता है, कुछ विशेष तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, तो उसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। सर्वप्रथम तो यदि आप उनमें से एक हैं जो शाम को पूजा करती है माँ लक्ष्मी की, उसके बाद छत पे जाके खूब सारी आतिशबाजी करती है, दीपक जलाती है, इधर उधर घूमते हैं, मिठाइयाँ खाती है, तो एक चीज समझिए, साधक का ये काम नहीं है। आप पूरी दिवाली मना लीजिए, खूब फुलझड़ी पटाखे जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन आप साधक यदि बनना चाहते हैं, आप माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहती हैं, तो दिवाली की रात आपको संयम जो है त्यागना होगा। सबसे पहला कार्य आपको करना होगा, यदि आपको भारी लग रहा है तो क्या कर सकते हो, वे काम है उपाय बताना, और आपका काम है उस पर जान डालना, उसको करना, तो संयम त्यागना होगा। देखिए एक चीज बता देता हूँ, जितने भी आप देखेंगे लोग वैसे जो वैसे काम मतलब समझिए कि जो सफल व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में धन का अभाव नहीं है, वो रात को मुहूर्त जो होता है पूजा का उसमें करते हैं। लेकिन चलिए वो बड़ी मुश्किल है, आप रात के मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते, लेकिन एक से चाहूंगा कि रात्रि को जिन लोगों की लक्ष्मी की इच्छा है वो बिल्कुल संयम को त्यागे। अब शयन को त्यागना है आपको, और एक चीज का ध्यान रखना है, इस शयन को त्याग करके यूं ही आप इधर उधर फिल्म वगैरह देखने में या इस तरह के समय नहीं व्यतीत करना है। देखिए दो चीजें हैं, दो पहलू हैं जिनके बारे में समझाना चाहता हूँ, चाहे आप समझ रहे होंगे। कोई भी त्यौहार होते हैं, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, चार ऐसी रात्रियां हैं जिनमें साधक सोता नहीं है, तो ये ऐसी सात रात्रियों में एक रात्रि दिवाली की रात्रि भी महानिशा की रात्रि कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको जो मैं बता रहा हूँ। दिवाली की रात्रि भी बहुत ही महानिशा की रात्रि मानी गई है, और ये महानिशा की रात्रि मुझे कहते हुए भी मैं रोंगटे समय खड़े हो रहे, आप समझ रही हैं? तो महानिशा की रात्रि माना गया है, और जो आप सुनते हैं कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी आती है, वो आपके शास्त्रों में बताया गया है, स्कंद पुराण में बताया गया कि माँ लक्ष्मी आती है, वास्तव में आती है आपके घर, लेकिन आप क्या करते होते हैं उस समय, शाम को ही आपने दीपक वगैरह जलाया और आप उस समय बड़े गहरी नींद में होती हैं। तो आप सोचिए, कहां भी कहा गया कि जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। तो आपको दिवाली की रात ही रात्र को यदि सोना है तो आप सोइए, किसी को मना नहीं किया करना है या समझाना नहीं है, लेकिन पूरे वर्ष यदि आप धन के लिए जूझते रहे, परेशान रहे, तो एक बार ये उपाय करके देखिए। दोबारा आप मैं नहीं कहूंगा, आप स्वयं कहेंगे और मुझसे पूछेंगे कि दिवाली का मुहूर्त रात्रि पूजा का क्या है, मैं और अधिक बढ़ के करना चाहता हूँ। एक समझिए समझिए कि चाहे कोई कितना भी दुर्भाग्यशाली हो, कितना भी भाग्य फूटा हुआ हो, यदि दिवाली की रात व्यक्ति जागरण करता है तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा हो ही जाता है उसके ऊपर। और समझ लीजिए कि इतना भी फूटा भाग्य का मतलब कितना भी फूटा, तो फूटे से फूटे भाग्य पर भी माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है। और एक चीज और करना है आपको कि ऐसे ही आपको जा करके और किसी व्यर्थ के कार्य में सैकड़ों समय नहीं गवाना है,
करना ये है कि जहां पर आपका पूजन होता है तो पूजन बहुत लोगों के यहाँ आंगन में होता है, बहुत लोग के यहाँ खुले स्थान में ही आंगन के मेरा मतलब है कि खुले स्थान में। तो यदि आपके घर में खुले स्थान में होता है तो जैसे दिवाली करीब ठंडी बहुत ज्यादा हो जाता है, आंगन में नहीं बैठ सकते, तो अपने घर के पूजा स्थान में चले जाए, एक दीपक जला ली, दीपक जला करके और जो मंत्र आपको आए, जो भी मंत्र आप, एक चीज समझिए कि बस आंखें बंद करना है और उस रात्र माँ लक्ष्मी आती है ये ध्यान रखना है आपको। ध्यान रखिए बात कि दिमाग में बस ये बात आपको सेट होनी चाहिए कि नींद नहीं आएगी। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ, यदि आप यदि सोच लिया कि आज माँ लक्ष्मी आएंगी और मुझे उनसे कुछ पाना है, नींद नहीं आएगा। यदि मन में ये भावना आ गया तो पूरी रात बस जगी और जो मंत्र हो, कोई माला मत लीजिए, यदि माला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कोई माला मत लीजिए, कोई हाथ जोड़ कर बैठ जाइए उत्तर की दिशा मुंह करके। ध्यान रखिए जब भी कोई लक्ष्मी के लिए साधक होती है तो हमारे शास्त्र बताए उत्तर मुखी होकर बैठना चाहिए। और कोशिश करें कि दोस्तों वैसे ये चीज थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि आप दिवाली के दिन कोई ऐसा कपड़ा पहने जो अपने पहले कभी नहीं पहना, यानी कि कोरा, पुरुष या महिला, कोरा कपड़ा पहने। और हो सके तो, ना हो सके तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो आपका महिला है कपड़ा उसी को धुलकर साफ करके और पहन लीजिए। तो पहन करके आरती है तो सिर ढक लें, और पुरुष है तो भी अपना सिर ढक करके और बैठकर चुपचाप जो है वह मंत्र जपे। यह मंत्र देखिए पूरी रात, में कहूंगा कि क्योंकि आप पूरे बड़े साधक सन्यासी है नहीं कि पूरी रात आप मंत्रों को जप सके, जो इसको आदत है वह पूरी रात क्या कई कई घंटे जप सकता है। लेकिन जो लोग पहली बार ये साधना करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जब तक आपकी इच्छा हो आप बस आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी के लिए उनका नाम लेते रहें, उत्तर की तरफ बैठकर कोई मंत्र जपते रहें, और जब तक आपकी इच्छा हो आप जपते रहें। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नींद नहीं आ रही, नींद आने लगेगी या कोई भी समस्याएं, आंखें धोलिए और एक चीज ध्यान रखिए कि आपके मंदिर का दीपक है और जहां आपने लक्ष्मी पूजन किया है, दिवाली पूजन किया है, वहां का दीपक दिवाली की रात ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने दीजिएगा। जो भी घी का, तेल का, जिस चीज का आपके यहाँ जलाया जाता है आप जलाते हैं, उसको जलते ही रहना चाहिए। और ये चीजें आपके लिए मंत्र जप लिया, आपकी इच्छा हो तो श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्रोत का पाठ करें। कनक धारा स्रोत के बारे में तो आप जानते हैं, मेरे शास्त्रों में बताया गया कि कनक धारा स्रोत को पढ़ने मात्र से आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वर्ण आलेखित वर्षा कराई थी। तो चूंकि आप कलयुग है, इस प्रकार की चीजें होती नहीं है, आपके घर में कोई स्वर्ण नहीं बरसता, धन आता कैसे है दोस्तों, ये अनुभव है। आपको पूछते हैं कि आप इतनी चीजें कैसे जानती हैं, तो एक चीज समझिए कि ये अनुभव है और मैंने खुद कि ये दोनों चीजों को निचोड़ है, ये मैं अनुभव है और मैं जो अनुभव को कोई उपाय बताता हूं तो उनसे पूछता हूं असर किया हुआ कितना हुआ और कैसे हुआ, ये उसका भी असर है। और ये जो उपाय मैंने जिनको बताया है वो उनके जीवन के 100% सफल हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि आप जो है उसके बाद कनक धारा स्रोत श्री सूक्त जितना आप पढ़ सके, जो काम आप कर सके वो जरूर करें। अब आपको करना है जो आपको रात्रि जागरण करना है, दूसरा मंत्र जपना है, और यदि कोई धार्मिक माँ लक्ष्मी की किताब है जैसे श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्रोत है, ये काम आप जरूर करें। और अब ऐसा करना है आपको कि कम से कम ये चीजें 3 बजे तक आपकी हो। तो रात को आप चाहे तो 11 बजे से बैठे 3 बजे तक बैठे, और इतना तो आपको करना होगा। यदि आप कोई शॉर्टकट चाहती हैं कि किसी सीधे रास्ते से ना जाकर बल्कि मैं कोई शॉर्ट जाऊं, तो देखिए इसके लिए मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। प्लीज अब तो साधारण सा कार्य जो है पूजा है वह कीजिए, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हो तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज बता दूं आपको कि आपको दिवाली, तीसरी चीज, हाँ, एक तो रात्रि जागरण करना है, दूसरा मंत्र जपना है, तीसरी चीज जो है वह यह है कि जो शायद मैंने बताया आपको कि दीपक अपना ठंडा बिल्कुल नहीं होने दीजिएगा। कब तक जलना है? सुबह तक जलना है आपका दीपक। 4 बजे तक भी जले तो उसकी रखवाली के लिए आपको पूरी रात्रि जगना होगा, पूरी रात्रि। अगली चीज देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि चीजें कि क्या होता है कि रात्रि शाम को हम पूजा करते हैं, हमारी जिम्मेदारी भैया खत्म, हम सोएंगे, आराम करेंगे या फिर पटाखे उठाकर जलाकर त्योहार मनाएंगे। तो ये चीज होती है कि हमारे जो शास्त्र बताते हैं आप भी पढ़िए और जानिए, पद पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी भ्रमण रात्रि में होता है। लक्ष्मी भ्रमण आप शाम को आवाज पूजन जरूर करते हैं, लेकिन लक्ष्मी भ्रमण रात्रि के समय होता है, अर्ध रात्रि में होता है। उस समय का ध्यान रखें और खूब मनन से, पूरे मनोयोग से माँ लक्ष्मी को बुलाने में आप लग जाए। और अगली सुबह आपकी यहाँ यदि देवी दरिद्रता का
विसर्जन होता है उनको खदेड़ा जाता है, तो वो काम आप जरूर करें। देखिए ये भी लक्ष्मी आगमन के लिए बहुत आवश्यक है। आपको इस चीज अगर होती हो तो अच्छी है, नहीं होती हो तो देवी दरिद्रता को खरीदा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली की रात्रि जब माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है उसी समय उनकी बहन है दरिद्रता, वो भी जो है वो आ जाती है हमारे घर में। क्यों आती है? माँ लक्ष्मी से मिलने के लिए। और इसीलिए माँ लक्ष्मी को अपने घर में चिरकाल के वास की प्रार्थना कर सुबह उनको उठा करके जहाँ भी आप मूर्ति वगैरह रखते हैं वहाँ रख लेते हैं, पंडली वगैरह अपने स्थान पर रखते हैं, जो भी चीजें आप चढ़ाएं सब अपने स्थान पर रख लेते हैं। और अगली बारी आती है दरिद्रे और दरिद्रा के खतरने की, उनकी विसर्जन की, तो आपकी यदि ये विधि ये रीत निभाई जाती है तो बहुत आवश्यक है रीत करना, क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत प्राचीन परंपरा है, इनको नहीं निभाना चाहिए। लेकिन हम बता दें आपको कि शास्त्रों में हमारे बताया जाता है कि दिवाली की रात ही दरिद्रता भी आता है, और दरिद्रता को खदेड़ने के लिए लोग पुराने सूप होती हैं, या फिर यदि कोई किसी के पास नहीं है तो डब्बी है, पीटते हुए लोग उनको ले जाते हैं, उनसे आवाज निकलती है, तो उस आवाज का भी एक रहस्य है। उस आवाज का अर्थ हुआ कि नकारात्मक आपकी जो नकारात्मकता आपके घर से दूर जाती है, और जिस चीज से आप पीटते हुए जाते उसको जला दिया जाता है, और अग्नि में जलाने मात्र से माना जाता है कि आपकी दरिद्रता का शमन कर दिया, और बस घर ही मां लक्ष्मी। तो ये उपाय, ये तीनों काम आपको दिवाली की रात जरूर करें। और दोस्तों एक बार फिर कहूंगा कि दावा नहीं पूरी अच्छी तरह से मैं इस पूरे कैसे बताऊं आपको, कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आप ये तीनों काम कर लिया तो निश्चित रूप से आप पूर्णतः धनवान बन जाएंगे। धनवान का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आप जो हैं धनवानों की लिस्ट में प्रथम हो जाएंगे। हाँ, आप अपनी जो जरूरत की चीजों के लिए आप इधर उधर भटक रहे थे वैसी स्थिति तो नहीं होगा। और आप जो है मेरी ये वीडियो एक बार सुन रहे हैं लेकिन आप जीवन में कभी दिवाली की रात सोएंगे नहीं, ये तो मैं दावा कर रहा हूं इस चीज को सुनने के बाद। तो दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।